हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीसी व्लॉगर। बहुत दिनों के बाद अपना गैप ज़्यादा आता जा रहा है हमारे ना वीडियोस में। जो पुराने वीडियोस आप देखते हो उनमें और इनमें काफ़ी फ़र्क भी है। मतलब थोड़ा सा स्टाइल भी चेंज हो गया है वीडियोस बनाने का, वीडियोस का टाइप भी चेंज हो गया है, क्योंकि बहुत कुछ चेंज हो गया साथ में। अचानक से पुणे कैसे आ गया, सबसे बड़ा शौक ये कि मेरे को मतलब काम था मेरा ऑफिस का, तो उस वजह से मेरे को आना पड़ा पुणे बहुत ही जल्दी जल्दी। मैं तो जल्दी से टिकट्स वगैरह बुक किए और फिर आ गया मैं पुणे अभी। तो यहाँ पे मैं आया तो सोचा जो चीज़ें रुकी हुई हैं बहुत दिन से, क्यों ना उनको शुरू किया जाए, व्लॉगिंग शुरू करी जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है व्लॉग किए हुए, बहुत बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं। तो आज क्या क्या है ना कि यहाँ मैं आया कल पुणे, तो सोचा आज क्यों ना जाके अपनी बाइक पर नज़र मारी जाए, क्योंकि पिछले 4-5 महीने से बाइक यहाँ खड़ी हुई है पुणे में और मैं घर पर हूँ। सोचो क्या हाल हो रखा होगा उसका बाइक का, तो वो जाके देखना है मेरे को। फिंगर क्रॉस कोई मेजर इश्यूज़ ना रहे उसमें, बैटरी तो होनी है डाउन आई नो, बाकी टायर अगर फ्लैट हुआ हो तो वो भी हवा वगैरह अपन कर लेंगे, चेन ल्यूब करनी है, 3 काम तो ये हो गए, बाकी वहाँ जाके ही पता चलेगा अभी। और उसको लेके एक अपडेट है, मतलब मैं उसको लेके यहाँ से वापस गुड़गांव जाऊँगा या फिर उसको यहाँ सेल करूँगा, तो उसकी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न चल रही है अभी दिमाग में, अब कैसे करना है ये सब। तो सोच रहा हूँ थोड़ा मतलब इन डीप उसके लिए क्या सही रहेगा, मेरे लिए क्या सही रहेगा, क्योंकि देखो बाइक तो अपन 2 रख सकते 3 रख सकते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर उनको मेंटेन करना, खड़ी करने के लिए जगह, और सोसाइटीज़ में बहुत इशू आता है भाई ये बाइक्स वगैरह और कार वार खड़ी करने के लिए। तो अभी का यही प्लान चल रहा है, चलता हूँ सीधे बाइक लेने के लिए, आज देखते हैं लेके आ पाऊँगा या नहीं, वो तो वहीं जाके पता चलेगा। तो चलते हैं सीधे, तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधे बाइक के पास। ये हेलमेट मेरे पास यहाँ पहले से रखा था, अगर आप लोगों ने देखे होंगे कुछ पुराने वीडियोज़ तो मैंने मतलब कुछ टाइम ही यूज़ किया ये वाला हेलमेट, रॉयल इनफील्ड का है, मैं लेके आया था, मेरे को चाहिए था एक ऑफ रोडिंग हेलमेट, मतलब ये इस टाइप का एडवेंचर वाला, तो मैं लेके आ गया था। ये यहीं पुणे में रखा था, गंदा हो रहा था, मैंने इसको पूरा साफ़ किया, धोया अंदर से, इसके पैडिंग निकाल के, देन अभी ये सही चल रहा है, मतलब अभी अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज मोटो व्लॉगिंग करने का प्लान नहीं है, ऑल्दो इस पर सेटअप लगा हुआ है पूरा, बट नहीं, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक ना बहुत ज़्यादा रहता है, ट्रैफिक दिखा दिखा के यार अभी बोर हो जाओगे, फिर आप स्किप मार के वीडियो बक जाते हो छोड़ के ऐसे ही। तो चलते हैं फिर सीधे, मिलता हूँ आपको बाइक के पास, रास्ते में कुछ रहा तो ठीक है, अदरवाइज बाइक के पास। ठीक है, बाइक तक तो मैं पहुँच गया, दोबारा घर गया था वापस, एक बार चाबी भूल गया था, आगे रास्ते से आके लौट के गया मैं, बट हाँ ठीक है, बाइक है यहाँ पे अपनी खड़ी हुई है, लेकिन हालत बहुत ज़्यादा बेकार हो रखी है पूरी ना, आगे से गंदी हो रखी है, टायर में हवा भी नहीं है। अब बस इसका घूंघट हटाते हैं, देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है, चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, या फिर ज़्यादा मेहनत करवाएगी आज, देखते हैं निकाल के बाहर। ये भाई कुछ ऐसा हाल रखा है, बहुत ज़्यादा धूल की हो रही है, बट ढकी हुई थी, धूल ही धूल है और कुछ नहीं है, इतने से चलेगा। और इसके विंगलेट गायब है, एक उस साइड का पता नहीं कैसे गायब हुआ था, फिर इस साइड का भी निकाल दिया, बच्चों बच्चों ने कुछ कर लिया होगा। ठीक है कोई नहीं, चलता है अब इसको निकालते हैं, थोड़ा सा बाहर थोड़ा साफ़ करते हैं, और मेन जो इसका है चला के देखनी है, चालू होगी या नहीं होगी, ये टेस्ट है भाई, क्योंकि पिछले 6 महीने मैं गया था अगस्त में, अगस्त से खड़ी हुई है, अब चला के देखना है बस। तो भाई लास्ट रियलिटी चेक, मीटर पे तो लाइट आ गई है, चालू करके देखते हैं, एक मिनट चालू करके देखते हैं बस। 6 महीने के बाद चालू किया मैंने, हाँ वो 6 महीने के बाद एक ही बार में चल गई है। दोनों ही टायरों में हवा नहीं थी, तो हवा डल गई है, और बाइक लेके आ गया मैं वॉशिंग के लिए सीधी, क्योंकि एक फ्रेंड मिल गया था, मैंने उसको बोला मैं अपनी बाइक लेके चलता हूँ, तू अपनी लेके चल, मुझे यहाँ तक छोड़, पर वापस मुझे छोड़ना, क्योंकि स्कूटी भी लेके जानी थी साथ में, बाइक यहाँ धुलेगी, मैं स्कूटी खड़ी करूँगा, फिर कैब से आऊँगा वापस, तब बाइक लेके जाऊँगा। तो थोड़ा सा लोचा है आज का, बट हाँ एक ही स्टार्ट में चालू हो गई, ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी, टायर में भी हवा डल रही है, धुलवा के फिर लेके जाऊँगा, और मिलूँगा आप लोगों को पूरे डिटेल्स के साथ कि इसके साथ हम लोग क्या करने का प्लान कर रहे हैं, बाइक के साथ सेल करनी है लेके जानी है, सब कुछ पता हो गई। वॉशिंग भाई, सफाई चल रही है जोरों शोरों में, अभी वापस आया, स्कूटी खड़ी करके वापस से जाना है बाइक लेने के लिए, क्योंकि बाइक की वॉशिंग वगैरह होगी प्रॉपर है, चलने में कोई दिक्कत नहीं है, तो स्कूटी खड़ी कर दी, अब अपन बाइक से आ जा सकते हैं, तो अब यहाँ पे जो भी आना जाना हो कहीं भी वो बाइक से होगा, कोई टेंशन नहीं है। तीन राइड चेंज करी मैंने, तो भाई ये आ गया मैं बाइक के पास, धुल के एकदम चमक गई है, लग नहीं रहा इतने महीने से खड़ी थी, और एक ही टच में जो चालू होगी ना बाइक, उसने तो मज़ा ही डाल दिया भाई। तो अभी क्या है ना, मैं तैयार हूँ एकदम जाने के लिए वापस घर, बाइक को उठाते हैं यहाँ से और जाते हैं अभी घर तक, थोड़ा बहुत घूमता हूँ यहाँ लोकल, बहुत दिन हुआ घूमा नहीं ना, एंड देन उसके बाद फिर घर जाके आपको बताता हूँ पूरा प्लान क्या है, इसको कहाँ लेके जाने वाला हूँ या सेल करने वाला हूँ, जो भी ज़्यादा रहेगा। अपनी BMW की GS चलाने के बाद इस बाइक को चलाना सच में बहुत मुश्किल है, मेरे
शोल्डर्स की, पीछे बैक की हालत ख़राब हो रखी है। मैं गलती से इसको आगे थोड़ा सा लेके चले गया, मैं चलो घुमा के लेके आता है, कासा सा ही चले गया भाई मैं। ट्रैफिक, रोड ख़राब, और वहाँ का जो रोड था ना उसने मेरे हाथों की कमर की बैंड बजा दी। और जो मैं डिसाइड करने का सोच रहा था कि बाइक को रखना है नहीं रखना है, उसमें इसने बहुत बड़ी हेल्प कर दी। इतने दिनों के बाद चलाई, और फिर GS चलाने के बाद चलाई ना, तो मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है इस बाइक को चलाने में। तो अब समझ सकते हो आप कि मैं क्या करने वाला हूँ इस बाइक के साथ में। मन नहीं है देखने में, आई लव दिस बाइक, मुझे इस बाइक को देखना बहुत पसंद है, क्योंकि देखने में जो उसका लुक बना रखा है ना मैंने, यार एक नंबर है, अमेजिंग है। तो अब सेल करनी पड़ेगी, ये तो फाइनल हो गया, पर कहाँ सेल होगी, कैसे सेल होगी, ये सब आपको अगले वीडियो में पता चलेगा। कल के कुछ प्लान्स हैं मेरे, वो देखते हैं, अगर एग्जीक्यूट हो तो आपको पता चल जाएगा, नहीं तो जैसा भी रहेगा आप वीडियोज़ में आपको पता चलता रहेगा। बस यही था आज के लिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, मैं थका हुआ हूँ, मुझे देख के आप नहीं थकना, वीडियो देख के एनर्जी बनाए रखो। मिलता हूँ फिर से किसी धमाकेदार वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।